हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है इस वक्त आपको कौन डेट करना चाह रहा है, हु वॉन्ट्स टू डेट यू। ठीक है, और सेकेंड ये कि देखिए, मैं लॉन्ग रीडिंग बिल्कुल भी किसी पर्पसली लॉन्ग रीडिंग नहीं करती या पर्पसली शॉर्ट रीडिंग नहीं करती। ठीक है, मुझे रहता है कि मैं रीडिंग को एक क्लैरिटी से आप तक पहुँचाऊँ। जब मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी, उस वक्त मैं रीडिंग ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, मतलब कि कैमरा स्टैंड मुझसे दूर होता है, मुझे नहीं पता कितने टाइम की रीडिंग शूट हो रही है और कितने टाइम पे मैं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, जो कह रहे हैं कि शॉर्ट करें और जो कह रहे हैं कि लॉन्ग करें, दोनों आप लोग दोनों, ठीक है, आप दोनों समझ लें कि प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक क्लियर कट, आप जिस पर्पज़ से इस रीडिंग को ओपन कर रहे हैं आपको क्लैरिटी मिल जाए, जब आप इसको बंद करें तो आपको समझ में आए कि क्या हो रहा था। आपने जो टॉपिक देखकर इसको ऑन करा है तो आपको पता चले क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। ठीक है, बस और इतना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। एंजल एडवाइस के लिए हम ये लेंगे और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने साइड कर दी है और अब देखते हैं आपको इस वक्त कौन डेट करना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी। इस वक्त मेरे व्यूअर को कौन डेट करना चाह रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस वक्त मेरे व्यूअर को कौन डेट करना चाह रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूअर को इस टाइम फ्रेम में कौन डेट करना चाह रहा है, कौन इनके साथ रोमांटिकली इंटरेस्ट ले रहा है इस टाइम फ्रेम में, कौन आपको डेट करना चाहता है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है इस वक्त। थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन आपका फ्रेंड रह चुका है या तो आपके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो आपको इस वक्त डेट करना चाह रहा है। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इस पर्सन की लाइफ में, मतलब कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, कोई भी इसके साथ अट्रैक्ट होना चाहता है, कोई भी इसके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन ये चूजी पर्सनैलिटी, शायद आप भी एक चूजी पर्सन है। ठीक है, मतलब कि इस ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहता है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है चूज़ करने को। मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं जो इसके इर्द गिर्द रहती हैं, ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं और बहुत से लोग हो सकते हैं जो इर्द गिर्द इस पर्सन के रहते हैं, जो इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इसको इंटरेस्ट नहीं है किसी में। ठीक है, ये मिस कर रहा है तो आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है, या आपका दोस्त रह चुका है, इसके साथ पास्ट आपका कोई रह चुका है, शायद एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट ना हुआ हो वो कनेक्शन, लेकिन कुछ आपका रह चुका है। आप लोगों ने एक साथ मेमोरी बनाई है, मतलब कि मेमोरीज आपकी रही हैं, ये ऐसा पर्सन है। इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। किंग ऑफ कम्स कप्स एंड लाइका क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि इमोशंस इसके अंदर हैं, बेहद इमोशंस हैं, फीलिंग्स इसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फेज में है ये, इस इमोशनली चीज़ों को देख रहा है अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन इस वक्त रोमांटिकली आपको डेट करना चाहता है। प्लीज़ एंजल्स, कौन मेरे व्यूवर को इस वक्त रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहता है, कौन है जो मेरे व्यूवर से कनेक्शन में आना चाहता है, एक लविंग कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता है। जस्टिस, इस पर्सन ने शायद पास में आपको जस्टिस नहीं दिया, ये वो पर्सन है जो अब जस्टिस देना चाहता है, जो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में पास्ट कोई ड्रामा हो चुका है, ट्रॉमा हो चुका है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ठीक है, ये वो पर्सन है, शायद इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, शायद इसने आपको वो नहीं दिया जो आप इस कनेक्शन में दे रहे थे, मतलब कि आपका रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप से आगे बढ़ ही नहीं सका। एक एक्सेप्टेंस और एक जैसे एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना, उसको कनेक्ट करना, उसके साथ आगे बढ़ना, ये हो नहीं सका। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा वेट रहा है, ड्रामा रहा है, बार बार चीज़ें बनी हैं, टूटी हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है पास्ट आपका। थोड़ा इस पर्सन के साथ अगर मेमरीज रही हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी भी रही है, मतलब कि कुछ तल्ख यादें भी रही हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, स्टॉकिंग चलती है, सर्चिंग चलती है, आप दोनों ही की तरफ से चलती है, आपके पर्सन भी करते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर पास्ट रह चुका है। द शेडो साइड, कुछ शेडो
साइड है इस रिलेशनशिप की, कोई डार्क साइड है जो आप इस कनेक्शन में देख चुके हैं, ठीक है, आपका पास्ट रह चुका है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ है जहाँ पर आप मेंटली स्टक थे, जहाँ चीज़ें बहुत एक टावर मूवमेंट से गुजरी हैं, आप लोग के बीच टावर आया, आप लोग के बीच वेट बहुत रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, स्टॉकिंग सर्चिंग चली है, एक दूसरे के सच सामने आना, डार्कनेस सामने आना, ये सब कुछ चला है, स्टक रहा है, बहुत टाइम तक स्टक रहा है आप दोनों ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह स्टक रह रहे, एक फैडअप फैडअप वाली एनर्जी है, बेजारियत वाली एनर्जी है, ठीक है, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो अनकही अनरिजॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ का, आपको डेस्टिनी कहाँ लेकर जाती है, और आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जैसे अपने इमोशंस को, जैसे दोनों के दोनों इस वक्त वनरेबल फील नहीं करवाना चाह रहे एक दूसरे को, कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे एक दूसरे के सामने कि मैं तुम्हें लव करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इमोशंस रखता हूँ। एक बंदा थक चुका है और एक बंदा अब इमोशनली, एक बंदा यहाँ पर इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहा और एक बंदा थक चुका है अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते करते, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, किसी तरीके का जस्टिस, ये जानता है आप जस्टिस को पसंद करते हैं, अगर ये आपके साथ एक जस्टिस करेगा इस कनेक्शन में, आपको जस्टिस देगा, तो शायद ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए। इस वक्त मेरे व्यूअर को कौन डेट करना चाह रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है मेरे व्यूअर में, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर को इस टाइम फ्रेम में कौन डेट करना चाह रहा है, किसका इंटरेस्ट है मेरे व्यूअर में। जिस जो सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है ना, जिसके अंदर बहुत आप कंफ्यूज है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और भी लोगों की वजह से आप लोग के उस कनेक्शन में कंफ्यूजन हो चुकी है, ये वो पर्सन है जिसके साथ जैसे जिन चीज़ों का रिजॉल्व होने का आपको ऐसा लगता है, शायद अगर ये मेंटली कॉन्फ्लिक्ट और ये अगर आप लोग के बीच ये जो मिस आर्ग्यूमेंट और ये सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तो चीज़ें शायद आप लोग एक हैप्पी फैमिली, मतलब कि यहाँ पर हैप्पीनेस को आप लोग देख सकते हैं इस कनेक्शन में। 10 of cups, ठीक है, मतलब कि आपको एक फील, एक सेंस ऑफ फीलिंग है। अगर यहाँ पर चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को हम साइड करें, आपके पर्सन भी और आप भी एक टेबल पे बैठकर हम दोनों अगर एक चीज़ों को लेकर सोचें, अगर हम होल्ड बैक करने के बजाय चीज़ों को रिजॉल्व करें, एक दूसरे का वेट करने के बजाय, तो हम ये इस टाइम में खुश रह सकते हैं जो हमारा टाइम एक तन्हाई में गुजर रहा है, एक डिफरेंसेस में जाके अलग अलग हम जो एक डिफरेंस बना चुके हैं एक दूसरे के अंदर, हम लोग के बीच जो दूरियां बन चुकी हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को फिक्स करें तो हम इसी टाइम को मतलब कि पॉजिटिव फ्रेम में गुजार सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये वो इंसान है जो आपके माइंड में चल रहा है, जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसने जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है और लोगों ने इन्वॉल्व होकर और कुछ नहीं करा, आप लोग का कनेक्शन बर्बाद हुआ, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है उन सब चीज़ों की वजह से। अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या है, कौन है जो आपको डेट करना चाह रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर को इस वक्त कौन डेट करना चाह रहा है, कौन मेरे व्यूअर को साथ इस वक्त कनेक्ट करना चाह रहा है, डेट करना चाह रहा है। कार्मा, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका कार्मा कनेक्टेड है, ठीक है, ये पर्सन अब आपको डेट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन रही है, कार्मिक से गुजरे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत एक कार्मा आप लोग के कनेक्शन में रहा है, बट डार्क फेस रहा है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिखाया है, लर्निंग आपने बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद, मतलब कि एक ज़बरदस्त किस्म का कोई कार्मा इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली कोई कार्मा, किसी कार्मे का जस्टिस, डिवाइन आपको जस्टिस देने जा रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, जिस कार्मिक सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा अपने स्लीपलेस नाइट, डार्क साइड देखी है, ये वही पर्सन है जो अब आपको डेट करना चाह रहा है। कौन है जो ये मेरे व्यूअर को डेट करना चाह रहा है इस वक्त, ये कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। बिल्कुल जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, एक कार्मा के बाद एक मतलब कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आया है, इस पर्सन के इस नज़रिए में चेंज आया, आपको आपको देखने के नज़रिए में, परसेप्शन में चेंज आ रहा है, क्या ये पर्सन पहले किस तरीके से देखता था और आपको अब किस तरीके से देखता है, मतलब कि इसका चेंज हो गया, इसका इसका सोचने समझने की तरीका आप लोग का एक दूसरे को बदल रहा है, ठीक है, पहले आप लोग एक ही तरीके से इस कनेक्शन को सोच रहे थे, आप दोनों के दोनों, एक आपका थॉट प्रोसेस था और एक इस पर्सन का, आपको लग रहा था कि यहाँ पर ये 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 होना चाहिए इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था ये नहीं है तो आगे कनेक्शन चल ही नहीं सकता, इसका फ्यूचर क्या है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्मा फेज होने के बाद, लर्निंग करने के बाद, आप लोग के थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक दूसरे के लिए सोच बदल रही है, तो ये वही पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, जिसके साथ आपने एक ड्रामा देख लिया, ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपको डेट करना चाह रहा है। कौन आपको इस वक्त रोमांटिकली डेट करना चाह रहा है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपके साथ एक एक लविंग रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, लेट्स सी कौन है ये पर्सन।
भाई स्टॉकिंग चल रही है एक दूसरे के बीच, आप लोग स्टॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, स्टॉकिंग चल रही है, दोनों अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रखे हुए हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बजाय आपको ऐसा लग रहा है कि वही रिजेक्शन वही पेन, इससे बेहतर है आप अपनी जात पे काम करें, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल, और अगर मेल है तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट और आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही मेल या फीमेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है किसी चीज़ में स्टक रह के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो चीज़ें जैसी होनी है वो वैसे ही होनी है, इससे बेहतर यह है कि इंसान अपने ऊपर काम करे। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया आपको स्टॉप नहीं लगाना अपनी ज़िंदगी को, किसी भी वजह से किसी भी पर्सन की वजह से अपने आप को स्टक नहीं करना। ये आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कही थी अपने आप को स्टक कर कर, ठीक है। मतलब कि जो भी रिलेशनशिप था, जो आपकी लाइफ में, जो आप पहले एक वेटिंग पीरियड में थे, बहुत ज़्यादा एक इंतज़ार में थे, अब आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ पर आपका ध्यान है। आप इस कनेक्शन में मतलब कि अगर सामने से मिलेगा तो देंगे, अदरवाइज आप इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर अब क्या चल रहा है। एक जेन्युइनली ये पर्सन क्या सच में डेट करना चाहता है, एक प्योर हार्ट से आ रहा है मेरे व्यूवर को डेट करने के लिए, इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, लेट्स सी प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो इस जो मेरे व्यूवर को डेट करना चाहते हैं वो किस नियत से आ रहे हैं, वो किस सोच से आ रहे हैं मेरे व्यूवर की तरफ। मून थोड़े से कंफ्यूज है, डाउट है उनको, उनको नहीं पता कि क्या हो सकता है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है चीज़ों को, वो क्योंकि पास्ट नेगेटिव हो चुका है, पास्ट में कार्मा रह चुका है, बहुत ज़्यादा डाउट है। अब उनको ऐसा लगता है कि शायद पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद इमोशनली अब आप कनेक्टेड नहीं है इस कनेक्शन में, इमोशनली आप एक डिस्टेंस बना चुके हैं, मतलब कि इमोशनली वॉक अवे देख रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है, आप इमोशनली चाहे फिजिकली आप इस कनेक्शन में हो, चाहे फिजिकली आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन इमोशनली आपको अटैच नहीं देख पा रहा, थोड़ा सा डाउट है इस पर्सन को, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये पर्सन, थोड़ा सा एक डीप जैसे मतलब कि डर है अब इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे अननोन फियर है कि जिस तरीके से ये आपको देख रहा है डिटैचमेंट पे, इमोशनली आपको अपने से दूर दूर देख रहा है, जैसे आपने एक पीसफुल आपका पीस चाहिए अपनी लाइफ में, अब वो आप चाहे आपको इमोशनली डिटैचमेंट करना पड़े, चाहे इस पर्सन को छोड़ना पड़े, ये पर्सन आपको देख रहा है, आपको एक मतलब कि ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है, ठीक है, आपको जज करने वाली एनर्जी है, या आपके हर जेस्टर को देखकर बहुत प्रैक्टिकल आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन रख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ आप हाइड कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है, मतलब कि मुकम्मल आप इस पर्सन को सच नहीं बता रहे, या तो मुकम्मल आप इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो रहे, मतलब कि जैसे आप एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है ना, पहले ऐसे नहीं रही है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, काम आउट की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आप स्टक नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने और अदर प्लान्स को प्लान कर लिया है, पहले आपकी लाइफ में यही प्लान था, ये कनेक्शन प्लान था, ये पर्सन प्लान था, अब वो प्लान नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर ये सोच रहा है, लेट्स सी ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है जो आपको डेट करना चाहता है। रात में बहुत ज़्यादा सोचता है, जब ये सोने जाता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो हो चुका है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, मतलब कि जो आप लोग का पास्ट रह चुका है, जिस जिस जो ज़िंदगी में आप लोगों के हो चुका है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है। ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, टू ऑफ कप्स चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, ये कनेक्शन एक नेगेटिव फेज से गुजर चुका है, एक जैसे उस चीज़ को सोच के रियलाइजेशन भी आती है, उस चीज़ को सोच के हील भी होना चाहता है, उस चीज़ को सोचकर सोचता है कुछ गलत कर दिया। इस कनेक्शन में टू ऑफ कप्स की एक पोटेंशियल था, टू ऑफ कप्स का एक न्यू बिगनिंग का पोटेंशियल था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है आप लोग के बीच एक पैशनेटिव बिगनिंग, एक यहाँ पर सन की एनर्जी, मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जो जो इस कनेक्शन में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे थे, यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, जो इनको पसंद कर रहा है इस वक्त, जो इनके साथ डेट करना चाह रहा है इस वक्त, लेकर क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को। सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा बदला हुआ देख रहा है, पहले आप डिपेंड करते थे, आपकी मैंने कहा ना आप लोग की सोच, एक जो आप लोगों ने कार्मा फेस करा, जो आपका एक टाइम आया उस चीज़ से जो आप निकले हैं, आपने अपने ऊपर काम करा, आपके पर्सन ने भी काम करा, आपने आपके पर्सन आपको बैलेंस देख पा रहे हैं,
सिंगल दिख पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मेस्मराइज कर रही है, मतलब कि यहाँ पर आप अकेले चलने से डर नहीं रहे, पास में आप डरते थे, ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है कि आप डिपेंड करते थे लोगों पर, अब आप अकेले चलने से नहीं डर रहे, अब आप जैसे पल को, जैसे प्रेजेंट टाइम को जीना सीख चुके हैं, अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूअर को थोड़ा सा फीलिंग ऑफ लॉस है, ठीक है, ये अकेला फील कर रहा है, इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा तनहा फील कर रहा है। कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपसे खुलकर कुछ बात करना चाहता है, जिसके लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है। लेट्स सी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है। फोर ऑफ कप्स, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी। मिस अपॉर्चुनिटी इस तरीके से एक मैरिज मटेरियल थे आप, ठीक है, मैरिज करने के लिए परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर रहे। अगर यहाँ पर ये पर्सन, मतलब कि आप एक बैलेंस लाइफ को बैलेंस कर देने वाले इंसान हैं, जिसकी लाइफ में भी जाएंगे उसकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंपैशन दिखाते हैं आप, बहुत ज़्यादा एक जेनरोसिटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आप एक, आपके अंदर एक सपोर्टिव ऑरा है, आप सपोर्ट करना जानते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी से, अपनी लविंग केयरिंग एनर्जी से, अपने प्यार से इंसान को संभालना जानते हैं। एक मिस अपॉर्चुनिटी देख पा रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी मिल सकती थी, आपके साथ स्टेबल हो सकता था, मैरिज कमिटमेंट तक ये बातें जा सकती थी। एक टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस यहाँ पर मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक, एक रेनबो कलर देखना, आप सिंगल ही बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हैं और मैरिज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में एक मैरिज को अप्रोच करने वाले, स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले, मतलब कि ये पहले अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिली थी लेकिन इसने इस चीज़ को ये संभाल नहीं सका, आपके आपके इस इन सब चीज़ों को आपकी संभाल नहीं सका, तो अब आपका दिमाग शायद किसी और की तरफ है, अपने बैलेंस की तरफ है, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को चूज़ करना चाहते हैं जो आपको एक लव दें, ठीक है। इस पर्सन ने शायद आपको इनफ लव नहीं दिया, इनफ बैलेंस नहीं दे सका आपकी लाइफ में, ठीक है, ये पर्सन इसीलिए ऐसा फील कर रहा है आप इसको चूज़ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन करेंगे और अपनी ज़िंदगी के किसी बैलेंस पर्सन को चूज़ करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, कोई लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, लवर की तरह देख रहा है आपको, अपने लाइफ काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, एक लॉजिकल एनर्जी है क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, तो ये भी लॉजिकल हो रहा है, लव फील कर रहा है आपके लिए, अट्रैक्शन, कनेक्शन, इमोशंस, लव, केयर, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, सब फील कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें अब इसकी सोच से, इसकी पहुँच से दूर हैं, ठीक है। ऐसा क्यों फील कर रहा है ये पर्सन, इतना लॉजिकल क्यों हो रहा है, लव भी फील कर रहा है और लॉजिकल भी हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट कहे कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आपको देखकर कंफ्यूज है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता यहाँ पर आप इस पर्सन को चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसको अब इसके साथ चलना चाहते भी हैं आगे या नहीं, आप अपने काम और की तरफ जो मूव कर रहे हैं कि आप इसके साथ चलने का सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो लव है, लव इस पर्सन का इमोशनल हो रहा है, बेहद अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, टैन ऑफ पैंटिकल मतलब के एक फैमिली बनाने की चाहत है इस पर्सन की आपके लिए, लेकिन ये आपके आपको देखकर कंफ्यूज है, ये नहीं जानता कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड अब क्या चाहता है, आप किस तरीके का पर्सन अब सर्च करना चाहते हैं, आप किस तरीके के पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल, एक मतलब कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं आप, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप एक मटेरियलिस्टिक वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, एक परफेक्ट फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग के बीच अब ये परफेक्ट पर्सन की तरह तो देख रहा है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये आपको अप्रोच करना चाहता है एक कमिटमेंट के लिए, ठीक है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है किसी कमिटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको बताएगा नहीं क्योंकि इसके दिल में है प्यार, ये कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है और इसके माइंड में अब कोई सॉलिड प्लान है, ठीक है, मतलब कि बहुत परफेक्ट और सॉलिड प्लान के साथ ये आगे चलना चाहता है आपके साथ, लेकिन ये आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है, जैसे कोल्ड डिटैच एनर्जी है आपकी लाइफ में, अब चॉइसेस हैं, आप इस पर्सन की तरफ अपने इमोशंस को इतना शो नहीं कर रहे, लेकिन अब इसके माइंड में कि आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है, लव है, केयर है, एनर्जी है, लेकिन इतना करेज नहीं आ रहा कि आपकी तरफ ये आ सके, आप इसके लिए एक परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है ये पर्सन कम्प्लीटली। वन लास्ट कार्ड, यहाँ पर ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में,
स्टक है ये आपके ऊपर, मूव नहीं कर पा रहा, कहीं और नहीं जा पा रहा, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, रियलाइजेशन का फेस है, सब कुछ है, जैसे को ऐसा लग रहा है अब हाथ से बात निकल चुकी है, आपको शो भी नहीं कर पा रहा। टावर मूवमेंट एंड सेवन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा बिट्रियल, नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में, शेडो वर्क, बहुत ज़्यादा शेडो वर्क रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंस, बहुत ज़्यादा एंडिंग, पेनफुल सिचुएशंस रही हैं जो आपने इस कनेक्शन में देखी है। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में। जो पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, उस पेनफुल एंडिंग के बाद पेन है इसके अंदर, उस एंडिंग का पेन है, आप लोग की बातें नहीं है इतनी खास, जो बोलना चाहता है वो कम्प्लीटली बोल नहीं पाता, बहुत कुछ हाइड करता है, दिखाई ये रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन यहाँ पर शेडो वर्क, इसको पता है इसकी शेडो साइड क्या है, किसकी वजह से ये रिलेशनशिप तबाह हुआ है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानता है। ठीक है, एक सोलमेट की तरह देख रहा है आपको। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी, एक जैसे आप इसका चाइल्डहुड हील करते हैं, इसके चाइल्डहुड को आप कंप्लीट करते हैं, हील करते हैं, आप इसके चाइल्डहुड से कनेक्ट होते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी आप में देखता है। अब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल दिया। ठीक है, आप किसी एक लोनलीनेस से निकले हैं, आप एक अकेलेपन से बाहर आए, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये भी पर्सन अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एक विजडम, ठीक है, ये आपके अंदर बेहद विजडम देख पा रहा है, आप एक विजडम से भरे हुए इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम, आपने विजडम, एक अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, बहुत ज़्यादा अवेयर देख रहा है आपको हर चीज़ के लिए, मतलब कि अब आप एक इमेच्योर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा एक बिगनिंग की तरफ है। ठीक है, क्लैरिटी की तरफ है, आप दिखा तो इस पर्सन को रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहे हैं, अपनी विशेष की तरफ फोकस है, अपनी ज़िंदगी पर काम कर रहे हैं, किसी पैंटिकस पे काम कर रहे हैं, आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं आप मैरिज की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदरूनी तौर पर आप सक्सेस लाने के लिए थोड़े कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। एक रोमांटिक लाइफ में आपको चूज करना है, सही पर्सन की तरफ आपको जाना है, सही पर्सन को अप्रोच करना है, सही पर्सन को चूज करना है। ठीक है, देखते हैं यहां से रोमांस एंजल से इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, जेन्युइन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, थ्री कार्ड्स लेंगे जेन्युइन फीलिंग्स के लिए, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या लव फील कर रहा है, जेन्युइन फीलिंग्स क्या है, ये आपको आपका आपका जो एक आपने जो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये आपके अंदर एक कन्फ्यूजन चल रही है, आपको क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, लेकिन बाहर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को अचीव, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, मतलब कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं बैठे। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा डार्क साइड, जिसकी वजह से जिस रिलेशनशिप में आपका बहुत ज़्यादा जैसे टावर मोमेंट ड्रामा रहा है, ड्रामा, एक कंप्लीटली ड्रामा रहा, ये वो पर्सन है, अब आपको चाहता है ट्रस्ट, ये पर्सन चाहता है अब आप ट्रस्ट करें इसके ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिचुएशन में कि यहाँ पे ट्रस्ट हो। ठीक है, फाइनेंस एंड कैरियर, ये अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है, कैरियर पे काम कर रहा है, फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसको पता है यहाँ पे अगर पैशन है इस कनेक्शन में, पैशन इन्वॉल्व है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये माफ़ी मांगना चाहता है किसी तरीके की आपके आपसे। ठीक है, इसको माफ़ी मांगनी है इस कनेक्शन, ये पैशन फील कर रहा है, अट्रैक्शन, जिस तरीके की आपकी एक एनर्जी है ना, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पैशन, लव, केयर, प्रोटेक्शन, मतलब कि अब इसको पैशन, यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो रहा है इस कनेक्शन में, ट्रू लव, ये पर्सन आपको अपने ट्रू लव की तरह देख रहा है, एक एक फ्यूचर स्पाउस की तरह देख रहा है, एक एक कंप्लीट पर्सन या कंप्लीट पार्टनर की तरह देख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं, टू कार्ड्स लेंगे आपकी एडवाइस के लिए और फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर को जाना चाहिए या नहीं, यहाँ पर मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, लेट्स सी, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। अपनी लाइफ में बिजी रहें, ठीक है, जो आप कर रहे हैं करते रहें, उधर से अपना फोकस आप हटाइएगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मेडिटेट फॉर आर क्रिएटिविटी, मेडिटेट करें, क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा आपने मुश्किल से आप एक सेल्फ लव, सेल्फ फोकस
की तरफ आए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ठीक है, एक एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ें गुजर रही हैं चेंज की तरफ। फॉलो योर ड्रीम, आपको कहा जा रहा है अपने ख्वाबों को पूरा करें, आप वैसे भी अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं, अपने विश फुलफिलमेंट को लेकर आप बहुत सीरियस हो चुके हैं, काम करें, गिव इन टू योर पैशन, सही जगह अपना पैशन इस्तेमाल करें, ठीक है, जहाँ आपको करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो, क्रिएटिव वर्क करते रहें, मेडिटेट करें, खुद को हील करें और बिजी रखें अपनी ज़ात को, अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब कि जिस तरीके से आपकी लाइफ जा रही है, जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी का फोकस बना लिया, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। ये पर्सन आना होगा तो आपके लिए एक एक, एक जिस तरीके के आप पर्सन हैं, जो चीज़ भी अब हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन लेकर आएगा, ठीक है, मतलब कि अपने आप को ओपन अप करेगा, सारी गलतियों को कन्फेस करेगा, माफ़ी मांगेगा आपसे और चीज़ों को फिर रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, देखने का आपको जानकारी अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।